Toxic smoke has engulfed Mumbai as the fire at the Deonar dumpyard has now raged for 3 days. A fire erupted at Mumbai's largest garbage dump in Deonar on Monday, a day after it enveloped a stretch from Chembur to Navi Mumbai with thick smoke cover. The residents of nearby area around the garbage dump have protested against the municipal corporation's failure to stop fires at the dump. छोटे छोटे बच्चों की जान जा रही है, महिलाओं की मिसकैरेजेस हो रहे हैं। इस स्मोक से आज सचिन तेंदुलकर को बांद्रा में तकलीफ हुई। The fire was brought under control on Monday night, but local residents and adjacent areas have complained of extreme air congestion and throat and eye infections. दुखाची बाबत यह है कि यह कचरा था, the vast non-scientific garbage disposal system मुले मुलुन पूर्व कांजूर विक्रोली पूर्व अनि हाँ दो देवनार परिसरात यात्रा मुले जे गंदगी घानेडा वास अनि यात्रा मुले दो हेल्थ की समस्या होता थे ते लंग्स वर असर होता थे अनि डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होते जे कमजोर पेशंट असतात तथा हा मुलगा त्याला लंगचा प्रॉब्लेम जन्मापासून होता परंतु या वातावरणामुळे त्यांची आयुष्य आणखीन कमी होत असते ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे आज पूरे देश को आप जीपीएस की सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं स्पेस में जाने की बात कर रहे हैं लेकिन हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम नहीं है स्वच्छ भारत का उन्होंने झंडा और नारा तो सबके मुंह पे डाल दिया लेकिन आज स्वच्छ वाकई भारत है क्या As of Monday, the air quality index of System of Air Quality and Weather Forecasting Research, SAFAR, showed that Mumbai's air is at critical level. According to SAFAR, this means that emergency and precautionary measures need to be taken. जो गाड़ियाँ यहाँ नहीं लाना है वो भी कचरा आ रहा है तो सरकार को तुरंत पहले इस पर खोजा करना चाहिए इसको यहाँ डंपिंग ला के बंद करना चाहिए और इसका साइंटिफिक क्लोजर करना चाहिए नहीं तो पर्यावरण की हालत बहुत खराब हो रही है 10-15 किलोमीटर के एरिया में इसका असर हो रहा है The Union Environment Ministry has intervened finally after the dump yard, the main garbage dump for Mumbai, reported second fire in 2 months.